दोस्तों अगर आपको भी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर के एडमिन पैनल को लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। ये बढ़िया था गुरु। कि अगर आप एडमिन पैनल का पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं या फिर आपको पता ही नहीं कि आपके एडमिन पैनल का पासवर्ड क्या है और उसका आईपी एड्रेस क्या है, सारे सॉल्यूशंस मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप इसे पूरा जरूर से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड की यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोज को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसी जो भी हेल्पफुल वीडियोज आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलो भाई दोस्तों, पहला सिनेरियो हो सकता है कि आपको अपने राउटर का आईपी एड्रेस या फिर एडमिन पैनल को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है, या फिर हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने राउटर के बैक साइड पे देखना है, वहां पर आपको एक स्टिकर लगा हुआ दिखेगा, उसी स्टिकर पे आपको आपके राउटर का आईपी एड्रेस और एडमिन पैनल को लॉगिन करने के लिए उसका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। इसके साथ ही आप यहां से अपने वाईफाई का डिफॉल्ट पासवर्ड भी देख सकते हैं। जैसे ही यहां से आप अपने राउटर का आईपी एड्रेस और एडमिन पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड देख लेते हैं, उसके बाद आपको गूगल क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने राउटर का आईपी एड्रेस इंटर करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। जैसे ही आप इस आईपी एड्रेस को टाइप करते हैं, सिंपली इंटर पे प्रेस करिए। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपके पास योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट लिख के आएगा। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम यही विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इसका यूजर नेम वो भी एडमिन होगा और इसका जो पासवर्ड है वो भी एडमिन होगा। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर कर देते हैं उसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर का जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो जाता है। यहाँ से आप अपनी डिवाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर जो WPA की का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर इंटर करने के बाद आप अपने वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंटेनेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने एडमिन पैनल का डिफॉल्ट जो पासवर्ड है उसे आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि आप अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर के एडमिन पैनल का पासवर्ड भूल गए हों, तो कैसे आपको रिसेट करना है उसका मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने राउटर के अपर साइड पे देखिए, वहाँ पर आपको एक छोटा सा होल दिखेगा, बेसिकली उसके ऊपर लिखा भी होता है रिसेट का, उसके अंदर आप किसी भी पिन को इंटर करेंगे। जैसे ही आप उस होल के अंदर किसी पिन को इंटर करते हैं तो अंदर एक छोटा सा बटन होता है, उसे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। कुछ ही सेकंड बाद आप देखेंगे जो आपका राउटर है उसकी जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगती है और कुछ ही सेकंड में जो आपका एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर है वो रिसेट हो जाता है। इसके बाद आपको आपके राउटर के बैक साइड पे देखना है, वहाँ पर आपको एक स्टिकर लगा हुआ दिखेगा, वहाँ पर आपको आपके राउटर का आईपी एड्रेस और जो एडमिन पैनल का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आप गूगल क्रोम को ओपन करिए, वहाँ पर आपको आपके राउटर का आईपी एड्रेस इंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके राउटर को लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको जो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। बेसिकली राउटर का जो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड है वो एडमिन ही होता है, यानी आपको यूजर नेम में भी एडमिन ही इंटर करना है और पासवर्ड में भी आपको एडमिन ही टाइप करना है। तो इस तरह से आप अपने राउटर को बहुत ही आसानी से लॉगिन कर पाएंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपने वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जिन्हें आप राउटर को लॉगिन करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप सर्च कर रहे थे कि कैसे आप अपने एडमिन पैनल को लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप अपने राउटर के USB पोर्ट को यूज़ करके FTP सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे थे हमारे वीडियोज़ को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।